वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है, लेकिन इसमें जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो तो इसमें आप ही का लॉस है बॉस। सो गाइस, जॉयस्टिक प्लेसमेंट और जॉयस्टिक साइज बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। क्या जॉयस्टिक का साइज बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि चाइनीज प्लेयर्स जॉयस्टिक का साइज बहुत ही बड़ा रखते हैं और इसका प्लेसमेंट भी उनका बहुत ही अलग होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इसकी साइज हम कितना रखें और इसकी जॉयस्टिक का प्लेसमेंट हम कहाँ पे करें। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने जॉयस्टिक के साइज एकदम प्रॉपर सेट कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने जॉयस्टिक के साइज कितनी रखें, आप अपनी जॉयस्टिक के साइज बड़ी रखें या छोटी रखें। जॉयस्टिक के प्रॉपर साइज एंड प्लेसमेंट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपने जॉयस्टिक के साइज बड़ी रखते हो तो आपके गेम प्ले पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आप अपने जॉयस्टिक की साइज अगर छोटी रखते हो तो आपके गेम प्ले पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे बिना किसी पार्ट को स्किप किए ताकि आप भी अपने जॉयस्टिक की साइज एकदम प्रॉपर सेट कर पाए, ताकि आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाए। जॉयस्टिक की साइज प्रॉपर ना होने के कारण इसका इफेक्ट सीधे आपके गेम प्ले पर पड़ता है, जिसमें आपका जॉयस्टिक बार बार स्टक हो जाता है। तो आप ये सारी ट्रिक अप्लाई कर लीजिए जिससे आपका जॉयस्टिक स्टक होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भाई, अगर तुम फर्स्ट कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हो ना, तो भाई इसमें अगर आप लोगों की जॉयस्टिक लेफ्ट साइड में है तो आपका जो भी लेफ्ट का एरिया स्क्रीन के वो पूरा का पूरा भाई आपके मूवमेंट के लिए हो जाएगा, और जो भी एरिया राइट साइड का है आपका पूरा का पूरा वो एम के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जॉयस्टिक को कहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर आप अपने थंब को रखोगे जॉयस्टिक वहीं पर आ जाएगी और आप वहीं से अपने जॉयस्टिक को कंट्रोल कर पाओगे। अब गाइस, मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने अपनी जॉयस्टिक को राइट में रखा हुआ है, पर जब मैं लेफ्ट में टच कर रहा हूँ ना अपने स्क्रीन को, तो मेरी जॉयस्टिक ऑटोमेटिकली वहीं से काम कर रही है। और गाइस, अगर आप अपने लेफ्ट के स्क्रीन में कहीं भी टच करते हो ना, तो आपकी मूवमेंट एकदम परफेक्ट होने वाली है। और यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने अपने जॉयस्टिक को कहाँ पर लगाया हुआ है। चाहे आप अपने जॉयस्टिक को ऊपर लगाएं या फिर नीचे लगाएं या फिर लेफ्ट राइट लगाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन आपका जॉयस्टिक एकदम परफेक्ट काम करने वाला है। आप जहाँ पर भी अपने स्क्रीन को टच करोगे आपकी जॉयस्टिक वहीं से काम करने लग जाएगी। अब वहीं पर जब आप अपने जॉयस्टिक को राइट साइड में ले आओगे, तब क्या होगा कि आपकी जो भी लेफ्ट का एरिया है वो एम के लिए हो जाएगा और जो आपका राइट साइड का एरिया है वो पूरा जॉयस्टिक के लिए हो जाएगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कंट्रोल लेआउट की। सो गाइस, अगर आप लोग थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो आपकी यहाँ पे पूरी स्क्रीन एम के लिए होती है, बस आपका जो जॉयस्टिक वाला पार्ट होता है ये होता है आपके मूवमेंट के लिए। मतलब कि अगर आप जॉयस्टिक के लेफ्ट या राइट में गलती से टच कर देते हो तो भाई वहाँ पर आपका कैरेक्टर मूव नहीं करेगा, उल्टा आपका एम खराब हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो यहाँ पर आपका जॉयस्टिक का सही प्लेसमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सवाल तो यह है ना कि भाई हमें जॉयस्टिक की प्लेसमेंट ढूंढनी कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अपनी जॉयस्टिक रखनी कहाँ पर है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जॉयस्टिक की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको 5 मिनट का सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगने वाला है। आपको क्या करना है कि सिंपली अपने आँख को बंद कर लेना है और अपने थंब को आपको अपने स्क्रीन पर प्लेस करना है, और अपने थंब को प्लेस करने के बाद आपको अपने स्क्रीन को स्वाइप करना है जहाँ पे जॉयस्टिक होता है, और फिर आपको अपने आइज को ओपन करके देखना है कि आपका थंब कहाँ पे जा रहा है बार बार, और आपको क्या करना है कि वहीं पे अपने जॉयस्टिक को सेट कर देना है और उसकी साइज आपको थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है जितना आपका थंब का साइज है। गेम प्ले करते समय आपका ब्रेन गेमिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स ऑटोमेटिक गेम प्ले को रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस मेथड की मदद से आपको अपने जॉयस्टिक की प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपने जॉयस्टिक का साइज कितना रखना है और क्या गेम प्ले करते समय साइज मैटर करता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, मतलब जॉयस्टिक का? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई देखो, काफी सारे बंदों को ऐसा लगता है कि छोटी जॉयस्टिक की साइज रखने से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और बड़े जॉयस्टिक का साइज रखने से उनका मूवमेंट एक्यूरेट हो जाएगा। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के जॉयस्टिक के साइज से आप लोगों के स्पीड पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब गाइस, मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड का जो जॉयस्टिक की साइज है उसको 50 रखा हुआ है और जो राइट साइड की जॉयस्टिक की साइज है उसको पूरा 250 कर दिया है।
एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मूवमेंट स्पीड दोनों में ही बराबर है, मतलब कि जॉयस्टिक साइज आप चाहे कुछ भी रखो आपकी मूवमेंट स्पीड वही रहने वाली है। तो क्या जॉयस्टिक साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता? तो वेल इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। अब गाइज अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो वहाँ पर आपके जॉयस्टिक के साइज से आपके गेम प्ले में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है तो आप लोग अपनी जॉयस्टिक का साइज एक बार पूरा फुल कर लेना और उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरा जीरो कर लेना और फिर टीडीएम मैच लगा लेना। और गाइस फिर दोबारा से आप लोग अपनी जॉयस्टिक का साइज छोटा कर लेना और दोबारा से फिर से एक बार टीडीएम मैच लगा लेना। और गाइस आप लोग नोटिस करोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में गेम प्ले करते हो तो आपको वहाँ पर अपने जॉयस्टिक की साइज बड़ी ही रखनी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप पैनिक सिचुएशन में अगर जॉयस्टिक के बाहर कहीं पे टच करते हो तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी मूव ही नहीं करेगा। अब गाइस आपने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को देखा होगा जो कि अपने जॉयस्टिक का साइज बड़ा ही रखते हैं, और वो इसीलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि वो थर्ड कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में अगर जॉयस्टिक की साइज छोटी रखते हो तो वहाँ पर आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव में अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना तो वो आपके पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और अब मैं आपको जॉयस्टिक की वो सेटिंग बताऊंगा जो मैक्सिमम गेमर्स यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादातर गेमर्स इस तरह का जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, और अगर आप भी ये जॉयस्टिक का सेटिंग कर लेते हो तो आपका गेमिंग भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने जॉयस्टिक की साइज एकदम बड़ी कर लेनी है और उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, और बाकी सारे आइकन्स को आपको साइड में कर लेना है, और उसके बाद आपको एक दूसरे आइकन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने इस कैंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके रखा है। आपको राइट वाले हैंड से कैंसिल वाले आइकन का बटन साइज कम ज़्यादा करते रहना है, और आपको साथ ही साथ स्प्रिंट वाला आइकन पर टैप कर देना है और उसको नीचे की तरफ खींचना है। ये प्रोसेस दोस्तों आपको बार बार रिपीट करनी है। आपको कैंसिल वाले आइकन पर टैप करना है, उसकी बटन साइज आपको कम ज़्यादा करते रहनी है, और साथ ही साथ आपको लेफ्ट वाले हैंड से स्प्रिंट वाला आइकन पर टैप कर देना है, और स्प्रिंट वाला आइकन पर टैप करने के बाद आपको उसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है दोस्तों, यानी कि स्प्रिंट वाला आइकन को आपको नीचे की तरफ खींचना है। और आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है दोस्तों जब तक आपका स्प्रिंट वाला आइकन आपके जॉयस्टिक के सेंटर में ना आ जाए। जब आपका स्प्रिंट वाला आइकन आपके जॉयस्टिक के सेंटर में आ जाएगा तब आपको ये प्रोसेस रोक देनी है। आपको एक साथ ही दोनों आइकन को टैप करना है, यानी कि आपको कैंसिल वाला आइकन पर टैप करके उसकी बटन साइज कम ज़्यादा करते रहनी है, और साथ साथ ही आपको लेफ्ट हैंड से स्प्रिंट वाला आइकन पर टैप कर देना है और उसकी साइज कम करके उसको आपको जॉयस्टिक के सेंटर में सिलेक्ट कर लेना है। हमारा स्प्रिंट आइकन ऑलमोस्ट यहाँ पे जॉयस्टिक के सेंटर में आ चुका है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और जॉयस्टिक के सेंटर में ले लेता हूँ। जब आपको ऐसा लगे कि अब ये जॉयस्टिक के सेंटर में आ चुका है तब आपको ये प्रोसेस रोक देनी है। ये प्रोसेस रोकने के बाद दोस्तों आपको वापस इसको अपनी जगह पर सेट कर देना है जहाँ पर ये था, यानी कि जहाँ पे आप थंब प्रेस करते हो वहाँ पे इसको सेट कर देना है, और बाकी सारे आइकन्स भी आपको पहले जैसे अरेंज कर देने हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप अपने जॉयस्टिक की साइज 90 से लेकर के 100 के बीच में रख सकते हो, इससे आपके जॉयस्टिक के स्टॉक होने की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और भाई अब मैं आप लोगों का डाउट फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि आप अपने जॉयस्टिक की साइज चाहे बड़ी रखें या फिर छोटी रखें, दोनों ही केसेस में आपके बंदे की स्पीड सेम ही रहने वाली है। और भाई मेरे पास आप लोगों में से बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी जॉयस्टिक ना उतनी ज़्यादा स्मूथ वर्क नहीं करती है, हमारी मूवमेंट स्टक हो जाती है। तो देखो भाई उसके ना बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोग सुबह सुबह क्लासिक्स में घुस जाते हो बिना कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिस किए। पहले ना आप लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, टीडीएम खेलना चाहिए, जिससे आप लोगों की मूवमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको क्लासिक में घुसना है। तो भाई अगर आप लोग ट्रेनिंग में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की क्लासिक में मूवमेंट स्टक होने ही वाली है यार। और भाई दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो टच गार्ड है ना फोन का, वो पुराना हो चुका है या फिर बहुत ही ज्यादा घिस चुका है। क्योंकि भाई जब बहुत ही ज्यादा स्क्रैचेस आ जाता है ना टच गार्ड पर, तो हमारा टच गार्ड उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट स्टक हो जाती है और उतना ज्यादा प्रॉपर वर्किंग नहीं करती है। और गाइस थर्ड रीजन ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों को गेम प्ले करते समय हाथों में बहुत ही ज्यादा पसीना आ जाता है, तो ऐसे में ना आपको फिंगर स्लीव्स यूज करनी है,
और दोस्तों अगर आपके पास फिंगर स्लीव्स नहीं है तो ऐसे में आपको अपने जॉयस्टिक के एरिया को क्लीन करना है और वहाँ पर आपको थोड़ा सा पाउडर या फिर थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है या फिर थोड़ा सा पाउडर। उसके बाद आपको गेम प्ले करना है, जिसके बाद आपका जो जॉयस्टिक का एरिया है वो प्रॉपर वर्क करेगा और जिसके वजह से आपका जॉयस्टिक स्टक भी नहीं होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही गेमिंग कंटेंट्स लाते रहता हूँ।